29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 146 तक पहुंच गई। अभी भी सैकड़ों व्यक्तियों के कोरोना टेस्ट के रिजल्ट आना बाकी है। 29 अप्रैल को जो 11 नए केस सामने आए उनमें से 10 एक ही परिवार के हैं, जबकि एक व्यक्ति मुस्लिम मोची मोहल्ले का निवासी है। दरगाह क्षेत्र के धन मंडी स्थित होटल साहिबा का मालिक सबसे पहले कोरोना संक्रमित हुआ। चिकित्सा विभाग ने इस होटल मालिक के दोनों परिवारों के सदस्यों को, होटल के नौकरों सहित कुल 42 व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट करवाया। अब इसमें से संक्रमित व्यक्ति निकल रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए CMHO KK सोनी ने बताया। देखिए, आज दिनांक हमारे 146 मामले आ चुके हैं, जिसके अंदर जो आज 11 हैं उसमें 10 तो हमारे जो चंदर है दरगाह के जो ओनर थे होटल साहिबा के, उनके परिवार के सदस्य हैं। एक हमारा मोची मोहल्ले का, ये वो भी कॉन्टेक्ट है। कोई नए क्षेत्र से आज कोई मामले नहीं आए हैं, और अच्छी बात भी है। और साथ ही एक अच्छी खबर ये भी है कि हमारे 8 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। उसमें एक ब्यावर का था, एक हमारा अरे का था, दोनों क्योर हो चुके हैं। और हमारे बाकी 6 अजमेर के जो थे वो हो चुके हैं, और 5 पहले ही फैजल वाली जो फैमिली है वो क्योर जयपुर में हो चुकी है। कितने सैंपल आपने ले लिया लोगों से क्या? अब तक हम 3000 से ज़्यादा सैंपल्स ले चुके हैं। सैंपल में ही ये निकल रहे हैं, क्योंकि अधिकांश आप देखेंगे तो पेशेंट्स हमारे एसिम्प्टोमेटिक है, वही आप उनमें कोई लक्षण नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें यही आती है पहचानने में कि जो एसिम्प्टोमेटिक है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो माइग्रेशन है वो है। तो हम सबसे बड़ा मैसेज आपकी मीडिया में ये देना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, लॉकडाउन की पालना करें, जब अति आवश्यक हो तो ही घर से निकले, बेवजह घर से ना निकले। अगर इन चीज़ों की हम कड़ाई से पालना करेंगे तो हम संक्रमण को काफ़ी हद तक रोक पाएंगे।